उड़ीसा में इतना भयानक ट्रेन हादसा कैसे हुआ? हादसे की जगह बहाना का बाजार से थोड़ा सा पहले की है। यहाँ पर चार रेलवे ट्रैक मौजूद थी, चेन्नई की ओर जाती हुई अप मेन लाइन, हावड़ा की ओर जाती हुई डाउन मेन लाइन और साइड में दो लूप लाइन। इन लूप लाइन का इस्तेमाल ट्रेन को साइड में पार्क करने के लिए किया जाता है ताकि बाकी ट्रेन स्पीड से पास में निकल सके। अब 2 जून को करीबन शाम 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस नाम की ट्रेन हावड़ा से चेन्नई की ओर जा रही थी, लेकिन अचानक किसी एरर की वजह से कोरोमंडल फुल स्पीड में अप मेन लाइन से निकल के पास में खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाती है। ये टकराव इतना खतरनाक था कि इसके कुछ डिब्बे उछलकर पास में निकल रही यशवंतपुर एक्सप्रेस के कुछ आखिरी डिब्बों से टकरा जाती है। इस भयानक हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और 800 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं।